सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। डेल का लैपटॉप है और वाईफाई नहीं चल रहा है, तो इसी के लिए लेके आया हूँ एक और नई वीडियो के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष पंचाल और आप देख रहे हैं टेक वर्ल्ड वाइड चैनल। प्रॉब्लम को करते हैं फिक्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा वाईफाई नहीं चल रहा है। मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन है लेकिन उसके बाद में भी यहाँ पे वाईफाई शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा एक वाईफाई का ड्राइवर, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फाइल को करता हूँ रन। रन करने के बाद में यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है, इंस्टॉल कर लीजिए सीधा। और अगर यहाँ पे आपको इंस्टॉल करने में अगर कोई दिक्कत आती है, कोई एरर आती है, जैसे कि kernel.32.dll, तो गो टू डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे एक मेरी और वीडियो है जो चेक करिए, तो ये आपका जो एरर है वो फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो ड्राइवर है वो सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। तो अब देखते हैं कि ये वाईफाई से कनेक्ट होता है मेरा सिस्टम या नहीं। इसको कर देते हैं यहाँ से क्लोज़। क्लोज़ करने के बाद में नीचे टास्क बार में आप देख सकते हैं ये वाईफाई जो भी थे पूरी लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं मोबाइल का चलाता हूँ हॉटस्पॉट और कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल का वाईफाई हॉटस्पॉट यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे सीधे कनेक्ट करूँगा इसको। और कनेक्ट करने के बाद मैं विथ प्रूफ आपको बताऊँगा कि ये किस तरीके से मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है मेरे सिस्टम से। बेसिकली ये इशू तब आता है जब आप एक नया विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तब। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो इसी तरह की नई नई वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा।